एंड वेरी गुड आफ्टरनून. मेरा नाम निधि जैन है एंड बाय प्रोफेशन मैं एक स्पीच पैथोलॉजिस्ट हूँ. आई होप यू ऑल आर अवेयर अबाउट द स्पीच पैथोलॉजिस्ट एंड आई एम साइकोलॉजिस्ट टू. एंड दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग टू अटेम्प्ट अ स्टोरी टेलिंग एंड आई हैव रिटन समथिंग टू शेयर विद यू. सो हेयर आई स्टार्ट विद माई स्टोरी. मेरी कहानी की जो मुख्य किरदार है उसका नाम है अंकिता. अंकिता एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है. सुबह का टाइम है, माँ अंकिता को आवाज़ लगाती है, अंकिता उठ जा, सुबह हो गई है, देर हो गई है, नाश्ता कर ले. अंकिता उठती है, अपनी आंखें मलकर अपना फ़ोन उठाकर टाइम देखती है. 8:15 हो चुके हैं. टाइम देखकर अंकिता थोड़ी सी मायूस हो जाती है. इतने में ही माँ की दूसरी आवाज़ आ जाती है. अंकिता झट से उठती है, किचन में जाती है, पानी का ग्लास लेकर टेबल पे बैठ जाती है. पानी पीते पीते अंकिता खिड़की से बाहर देखती है. खिड़की से बाहर उसे छोटे बच्चे स्कूल जाते दिखाई देते हैं. उन बच्चों को देखकर अंकिता सोचती है, बचपन कितना भला था, सब काम टाइम पर होते थे, सिर्फ पढ़ाई लिखाई और यारी दोस्ती. इन्हीं सोच में डूबी हुई अंकिता नाश्ता करती है और अपने रूम में वापस चली जाती है. वो सोचती है, मैं आज फिर से देर से उठी, मैंने कोई काम टाइम पे नहीं किया, ना मैंने अपनी एक्सरसाइज की, ना मैंने मेडिटेशन किया. रूम में जाके सोचती है, क्या करूँ मैं, इतना सारा काम है, बस मैं सोचती ही रहती हूँ, कुछ करती तो हूँ नहीं, 2-3 काम ही दिन भर में कर पाती हूँ. ऐसा सोचकर वो वापस से अपने दिमाग में कैलकुलेट करती है, मुझे क्या करना है. उसका कुछ मन नहीं है, वो अंत तक कोई काम नहीं करती और बैठ जाती है. अपना फ़ोन उठाती है, नोटिफिकेशंस चेक करती है और उसे भी रख देती है. फिर खुद को दिलासा देते हुए कहती है कि मैं खुद को बहुत आगे ले आई हूँ, 2 सालों में मैंने काफ़ी संभाल लिया है खुद को, चलने फिरने लगी हूँ, लोगों से मिलने लगी हूँ, बातें करने लगी हूँ. बट क्या ये सब करना मेरे लिए ज़रूरी है या ये मेरी मजबूरी है, मुझे पसंद है क्या ये सब करना. उसे ये सब करना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि कुछ कहने, कुछ करने को, समझने को है ही नहीं उसके पास. अगर 2 साल पहले उसकी ज़िंदगी में वो हादसा ना हुआ होता तो आज सब कुछ अलग होता, खुशनुमा होता. ये अकेलापन और ये मायूसी उसके साथ नहीं होती. अंकिता 2 साल पहले डेटिंग ऐप पर अनिकेत से मिली थी. दोनों ने आपस में नंबर एक्सचेंज किए, बातें होने लगी. अंकिता स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी और अनिकेत का अपना बिजनेस था. दोनों हजारों मील दूर अलग अलग शहरों में रहते थे. जब भी एक दूसरे के लिए टाइम मिलता, कॉल करते, बात करते, मैसेजेस करते. बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहा. उनकी बातों में साल कब निकल गया उन्हें पता ही नहीं चला. दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, समझने लगे. एक दिन अंकिता ने अनिकेत से पूछा, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? अनिकेत ने बिना वक्त गवाए कहा, हाँ मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे ही जैसी लाइफ पार्टनर चाहता था अपने लिए. मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि तुम मुझे मिली हो. इतना सुनकर अंकिता मुस्कुराती है और शरारत भरे अंदाज में पूछती है, डू यू अनिकेत टेक दिस लेडी अंकिता एज योर वेडेड वाइफ? इतना सुनकर अनिकेत बहुत ज़ोर से हंसता है और कहता है, यस आई डू. दोनों बहुत खुश थे. अब बातों का सिलसिला रुकता नहीं था. सुबह से शाम तक बातें. दोनों अपने आने वाले कल की ख्यालों में डूबे रहते और हजारों सपने बुनते. अंकिता अनिकेत से मिलकर काफी खुश थी. उसे भरोसा ही नहीं होता था कि उसके सारे सपने सच हो गए. जैसा लाइफ पार्टनर वो अपने लिए चाहती थी, जैसा वो लाइफ पार्टनर सोचती थी कि कभी हो सकता है, वो उसे मिल गया था. उधर अनिकेत ने अपने दोस्तों को बुलाया
पार्टी की और सभी को अनाउंस किया, गाइस आई हैव मेट माय गर्ल एंड शी इज अंकिता। अंकिता दिन रात बस हैरानी सी ही में खोई रहती। अंकिता को लाइफ पार्टनर, शादी, इन सब से बहुत डर लगता था क्योंकि उसने बचपन में कभी अपने पेरेंट्स को एक दूसरे के साथ प्यार से नहीं रहते हुए देखा था। वो हमेशा उन्हें लड़ते झगड़ते देखा करती थी और कभी नहीं चाहती थी कि वो किसी के साथ एक रिलेशनशिप में आए। बट अनिकेत से मिलकर उसे काफ़ी अच्छा लगा। जैसे ही अनिकेत उसकी लाइफ में आया, उसके साथ उसकी एक्सेप्टेंस को देखकर, उसके साथ अपनी बॉन्डिंग को देखकर वो हैरान थी कि कैसे मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अंकिता बहुत खुश थी, मानो सारी दुनिया जहान की खुशियां सिर्फ और सिर्फ उसके पास है, जबकि दोनों की लाइफस्टाइल, सोच समझ में जमीन आसमान का अंतर था। अंकिता भगवान को रोज धन्यवाद करती, आपने मेरी सभी प्रार्थनाओं का जवाब एक बार में ही दे दिया। वो कहती, धन्यवाद प्रभु मेरी खुशियां देने के लिए, अनिकेत जैसा हमसफर देने के लिए। आज तक की सभी परेशानियों को देखकर वो सोचती थी कि क्या कभी मेरी ज़िंदगी में खुशियां आ सकती हैं, या जैसा समय मैंने बचपन से आज तक परेशानियों में निकाला है वैसे ही निकल जाएगा। अनिकेत अंकिता की सभी खुशियों का जवाब था, उसकी सभी परेशानियों का आंसर था, उसकी सभी प्रेयर्स का आंसर था। दोनों ने एक दूसरे को अपनी लाइफ जर्नी सुनाई और समझाई और दोनों का एक दूसरे के लिए पूरा प्यार और एक्सेप्टेंस था। उन दोनों के बीच में कोई भी झूठ, दिखावा या छलावा नहीं था। दोनों के बीच में था तो बस प्यार और एक दूसरे के लिए सम्मान। अंकिता को अनिकेत पे पूरा भरोसा था, पर फिर भी कुछ उलझने थी उसके मन में जो उसको हमेशा परेशान करती थी और वो चाहती थी कि अनिकेत से उनके बारे में बात कर ले। एक दिन अंकिता ने हिम्मत जुटाई और अनिकेत से अपने सारे सवाल पूछ लिए। अनिकेत ने बड़े प्यार से, बड़े आराम से उसके सभी सवालों का जवाब दिया, जिसको सुनकर अंकिता फिर से एक बार हैरान हो गई। उसने मन ही मन कहा, भगवान मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, मैं इससे ज़्यादा कभी मांग भी नहीं सकती थी। इन सारी खुशियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया कि हम जल्दी ही मिलेंगे। दोनों ने अपने परिवारों में बात की, दोनों फैमिलीज एक दूसरे के सामने आई। साल निकलने के बाद अनिकेत और अंकिता पहली बार एक दूसरे के आमने सामने थे। दोनों के परिवारों ने एक दूसरे से बातें की, एक दूसरे को पसंद किया और एक दूसरे को हाँ कर दिया। अब दोनों सातवें आसमान पर थे, उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। अनिकेत ने कहा, अंकिता मैं तुम्हें अपने घर में तो ले आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम सबके दिल में भी जगह बना लो और इसमें मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। अब बातों का सिलसिला नहीं थमने वाला था। अंकिता का फोन सुबह से रात तक बजता रहता। अनिकेत का नंबर ही नहीं आता था बात करने के लिए, क्योंकि अनिकेत के रिश्तेदार, परिवार, दोस्त सभी अंकिता से बात करना चाहते थे और उससे लगातार व्यस्त रखते थे। धीरे धीरे करके समय बीत रहा था और शादी की प्लानिंग शुरू हो गई थी। शादी कहाँ करनी है, कौन कौन से फंक्शंस रखने हैं, किस किस को बुलाना है, कौन कौन से गेस्ट आने हैं। माँ ने अंकिता को आवाज़ लगाकर कहा, अंकिता लंच रेडी है, लंच कर लो, खा कर बात कर लेना अनिकेत से। अंकिता ने माँ की बात का जवाब दिया। अंकिता ने कहा, ठीक है माँ मैं आई, और फोन ये कहकर रख दिया कि लंच कर बात करेंगे। अंकिता ने लंच फिनिश किया और अनिकेत को फोन वापस मिलाया। अनिकेत का फोन स्विच ऑफ जा रहा था।
अंकिता एक के बाद एक कई बार फ़ोन करती चली गई। फ़ोन ट्राई करते करते सुबह से शाम हो गई। अंकिता का दिल जोरों से धड़क रहा था, हजारों सवाल उसके मन में आ रहे थे और न जाने कितने ख्याल उसके दिल में। शाम को 6 बज गए और अंकिता का फ़ोन अचानक बजा। अंकिता ने उसे झट से उठाया। फ़ोन उठाने पर पता चला कॉल किसी अननोन नंबर से था। अंकिता ने बात की तो पता चला अनिकेत का दोस्त बोल रहा था। उसने सिर्फ इतना कहा, अनिकेत का एक्सीडेंट हो गया है एंड ही इज़ नो मोर। एक बार फिर से अंकिता को माँ की आवाज़ सुनाई देती है। माँ कहती है, 10 बज गए, तू क्या कर रही है? तुझे अपनी दोस्त से मिलने जाना था और कितना टाइम लगाएगी तू? अंकिता कहती है, बस 5 मिनट माँ, आई मैं। इतने में वो पेपर और पेन निकालती है और कुछ यूं लिखती है, जिंदगी संग्राम सी लगती है मुझको, चारों तरफ से घिरी अकेली खड़ी हूँ मैं इस चक्रव्यूह में, देखती हूँ आराम कब मिलेगा मुझको, हर दिन जिंदगी आजमाती है मेरे सब्र को, मानो देखना चाहती हो कितनी हिम्मत बाकी है मुझ में, मैं भी खड़ी हूँ देखने को मंजिल कब मिलेगी मुझको, खड़ी रहूँगी या गिर जाऊँगी या फिर मंजिल पा जाऊँगी, खड़ी रहकर कितना जी पाऊँगी, गिरी तो कितना संभल पाऊँगी, मंजिल पर पहुँची तो कितने अपनों का साथ पाऊँगी, जिंदगी ना जाने क्या दिखा दे, अगले पल क्या मिलेगा यही देखना है मुझको। इतना लिखकर वो अपना पेन पेपर रख देती है और फ़ोन उठाकर अपनी दोस्त को कहती है, मैं आधे घंटे में पहुंच रही हूँ, तू भी मुझे मिल जाना। That's the my story.